हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? गुड इवनिंग। एंड आज मैं आप लोगों के साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये गुलाब जामुन जो है बनाना बहुत ही आसान है। 5 to 7 मिनट्स में आप अपने घर में होम मेड न्यू झटपट आप बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए है? शुगर, इलायची, दूध के हमें कुछ ड्रॉप चाहिए और हम बनाएंगे ब्रेड से। वेलकम बैक। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रेड के स्लाइसेस पड़े हुए हैं। मैंने जामुन गुलाब जामुन के लिए जो है स्लाइसेस लिए हैं 5 to 7। अगर आप लोग इतने मेहमान आते हैं या बहुत से ज़्यादा लोग आते हैं तो आप 8 to 10 स्लाइसेस ले लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेड के साइड के जो एरियाज होते हैं ना, एरियाज, ये जो एरिया होते हैं आपने ये कट कर लेने हैं। ये आपने नाइफ की मदद से ऐसे आपने इसको कट कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर कट करके इसको ग्राइंड कर लिया है। देखिए ये इस फॉर्म में आ चुका है, ये इस फॉर्म में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस तरह चूरा आपने ग्राइंड करना है, चूरा चूरा करना है और आपने ये जो है एक बाउल में कर लेना है। इसके अंदर आपने क्या सिर्फ ऐड करना है, आपने मिल्क ड्रॉप्स ऐड करने हैं, ड्रॉप्स, जस्ट 2-5 ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं। देन आपने हाथ की मदद से इसको आपने गूंदना, जैसे आटा गूंदते हैं हम लोग। जैसे देखें अभी, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो है गूंदता जा रहा है। और इसमें जो है मैं दोबारा से ये मिल्क ऐड करूँगा कि मुझे ज़रूरत पड़ रही है और मज़ीद ऐड करने की मिल्क की, कि ये हमारा पूरा एक अच्छा सा डोव बन जाए। जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं उसी तरह ये हमने गूंदना है। ये देखें आप लोग देखते जाइए इस तरह में, ये देखिए ये इस तरह आ रहा है फॉर्म। व्यूअर्स, ये इस तरह का ये फॉर्म में आ गया और मैंने इसको कम्प्लीटली गूंद लिया है और ये इस तरह आटे की तरह गूंद चुका है। अब मैं इसकी जो है बॉल्स बनाऊंगा। इससे गुलाब जामुन गोल गोल होता है, देखें आप लोग होता था। हमने हाथ से आपने ऐसे से करना है, बिल्कुल आपने ऐसे इसको बिल्कुल गोल राउंड आपने बॉल बनानी है। ये देखें, ये देखिए ये ऐसे आ जाएगी। दूसरी हम बनाते हैं। मैंने जो है गुलाब जामुन के ये बनाया था तो ये इस शक्ल में आ चुका है, गोल बॉल्स मैंने बना चुका हूँ। तो अब मैं इनको फ्राई करने लगा हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये फ्राई होंगे। फ्रेंड्स, मैं अब जो हूँ इसके अंदर जो है गुलाब जामुन के बॉल्स डालने लगा हूँ, ये फ्राई होंगे। आप लोगों ने भी इसी तरह इसको फ्राई करना है, डालते जाएगा आप लोग भी इसी तरह जिस तरह मैं डाल रहा हूँ। और बहुत ईजी है और जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल होता है बनाना, पर ये बहुत आसान है। अब इसको हम लोग फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के बाद हम इसको शीरे के अंदर डिप करेंगे और फिर आपकी ये गुलाब जामुन तैयार हो जाएगी। हमारा ये शीरा तैयार हो चुका है। हमने इसमें पहले चीनी और इलायची डाली थी और 2 गिलास पानी डाला था हमने, तो वो 1 गिलास पानी जो है इसमें जो है घुल गया है और ये शीरा हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं कि क्या करना है। ये डन हो चुका है, देखें देखें व्यूअर्स, मैंने गुलाब जामुन बना ली है और इसका जो है कलर ऐसा आया है। अब आपने इसको जो है शीरे के अंदर डालना है, ऐसे सारी गुलाब जामुनों को आपने ऐसे करके 1 by 1 आपने शीरे के अंदर ऐड करनी है। देखें क्या कलर आया है, ज़बरदस्त A1 कलर आया है इसका। और ये कि जैसे कि मैं आपको अपनी वीडियो में आपको हमेशा कहता हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड क्लिक मी। ये देखें सारी जो है ये शीरे में चली गई हैं और इसको हम शीरे में डिप रखेंगे कुछ देर तक के लिए ताकि ये इसमें मिठास आ जाए। शुक्रिया।